हंस ध्वनि गा रहे हैं, तो हंस ध्वनि के ऐसे कुछ स्वर जो थोड़ी देर में दिखा देंगे कि हाँ ये हंस ध्वनि है, है ना। ये स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि सबका अपना अपना है, तो इसका मतलब ये निश्चित तो नहीं है, नहीं है कि आप हाँ, अपने हिसाब से कर रहे हो। हाँ, इस हाँ, राग गायकी का एक ही अर्थ है कि वो राग खिल के सामने आनी सामने चाहिए। आना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, मेरे दादा गुरुजी के साथ में मैं यहाँ हूँ और आज हम बोल आलाप पर चर्चा करने जा रहे हैं। बोल आलाप, बोल तान, राग का विस्तार करते समय हम स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, आकार का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ हम शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो राग का विस्तार होता है उसको हम, अगर वो कम लय में है तो वो बोल आलाप है, वो तेज़ गति में है तो वो तान का रूप लेती है, तो वो बोल तान हो जाती है। आज हम उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि बोल आलाप जो है वो किस लय में किया जाता है, किन किन शब्दों का चयन करेंगे। अगर आप जो भी बंदिश गा रहे हैं, स्वाभाविक है कि उसी बंदिश के शब्दों का ही चयन होता है, लेकिन उसमें भी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर ज़रा हम आज गौर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं दादा गुरु जी को। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं, यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है गुरुजी, क्योंकि ये जो ये शास्त्रीय संगीत की भाषा है ना कि दादा गुरुजी हम बोलते हैं, तो कई लोगों को यूँ लगता है कि मैं, आप मेरे दादाजी हैं, है ना। तो वो मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। शास्त्रीय संगीत में दादा गुरुजी मतलब मेरे गुरुजी, यानी कि मेरे पिताजी, उन्होंने जिनसे शिक्षा ली है और मैं भी उन्हीं से शिक्षा ले रहा हूँ, यानी दादा गुरुजी। तो इसीलिए उसको वो जो रिश्ता है वो दादा गुरुजी का रिश्ता बनता है। सो आज हम बोल आलाप पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया ही है। तो जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है बोल आलाप के बारे में, वो मैं अगर आपसे थोड़ा सा साझा करूं, फिर उसमें अगर कुछ करेक्शन हो तो आप ज़रूर बताएं मुझे, कि जैसा कि आपसे ही सीखा है कि वो थोड़ा कम लय में, विलंबित लय में बोल आलाप में का जो प्रचलन है वो ज़्यादा है, तेज गति में ना। आलाप विलंबित में ही ज़्यादा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो मेरी गायकी है, मैं ऐसा करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हो, क्या पता बहुत से लोग, मैंने ऐसा देखा है कि मध्य लय में भी आलाप करते हैं, पर मैं नहीं करता, है ना। इसलिए मैं वही बात बता रहा हूँ। जो आपका जो घराना है, भिंडी बाजार घराना, उसमें मुख विलास होता है और सरगम के साथ लय का खेल होता है जब विस्तार किया जाता है, राग का शुरुआत की जाती है। लेकिन अगर विलंबित गाएंगे तो नहीं, विलंबित गाएंगे तो पूरी आलापचारी होती है, बिल्कुल, है ना। मध्य विलंबित और मध्य विलंबित में होती है, लेकिन अगर मध्य लय या द्रुत लय गाएंगे तो आलाप का ढंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है ना, सरगम में आलाप करने लग जाते हैं सरगम में, हाँ, थोड़ी लयकारी का इस्तेमाल, लयकारी के साथ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि आलाप है, अब आलाप को लोग लयबद्ध नहीं मानते हैं, ज्यादा आम जन की बात करूं, जो शास्त्रीय संगीत नहीं सीख रहा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्रीय संगीत वालों को तो मालूम है कि आलाप लयबद्ध भी होते हैं और स्वच्छंद भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये लगता है आलाप मतलब आकार में गाना, जो गाने के शुरुआत में गाया जाता है या गजल के शुरुआत में लोग गा रहे हैं, भजन की शुरुआत में कर रहे हैं, वो आलाप कर रहे हैं, आलापचारी वो समझते हैं, लेकिन लयबद्ध भी आलाप होते हैं, है ना। वो लोगों को थोड़ा सा हमें बताना है और उसकी तीन कैटेगरी अभी हमने बताई दी कि वो स्वर में भी हो सकता है, शब्द में भी और आकार में भी हो सकता है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले जैसा हम किसी विलंबित बंदिश से ही शुरू करें, उसमें आप थोड़ा सा आलापचारी, कि ये तो आलापचारी होगी जो स्वच्छंद है, उसके बाद लय में हम बंदिश में करेंगे। तो एक आलाप तो वो होता है कि राग खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल, तो शुरुआत में बिना तबले के, यानी आपने बंदिश शुरू नहीं की है और खाली राग का स्वरूप बना रहे हो, माहौल बना रहे हो, उसके लिए जो आलाप करते हैं, वो छोटा सा, बहुत से
गायक इसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। हाँ, मेरे गुरुजी भी नहीं करते थे, यानी मेरे पिताजी, वो भी नहीं करते थे, मेरे दादा गुरु भी नहीं करते थे। निर्भर भी करता है कि हम किस प्रकार का ख्याल कर रहे हैं, ख्याल किस प्रकार का है, और कितनी देर का अपना गायन है, परफॉर्मेंस कितना है, उसके हिसाब से वो टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर विलंबित ख्याल है तो थोड़ी आलापचारी ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा नहीं करता, फिर भी मैं नहीं करता, मेरे गुरुजी भी नहीं करते थे, है ना। तो बस राग को खड़ा कर दें, है ना। अच्छा, राग को खड़ा करने में भी ये है कि हम चाहें तो राग को बहुत जल्दी खड़ा कर दें, और हम चाहें तो आराम से धीरे धीरे। लेकिन ये भी एक अलग काबिलियत है कि राग को जल्दी खड़ा कर देना भी हर किसी के बस का नहीं है, है ना। वो संगतियाँ उस तरह से लगाना, वो स्वर उस तरह से लगाओ, तभी वो राग जल्दी खड़ा जो स्वर संगतियाँ तुरंत से दिखाती हो राग को, कि ये उनका प्रयोग जल्दी से कर लो तो राग तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। एक जैसे प्रारंभिक जब बच्चे सीखते हैं तो ये जिस पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें वो लोग आरोह अवरोह पकड़ गाते हैं, उनके लिए वही आलाप है एक तरह से, कि आरोहात्मक स्वर वो गए, अवरोहात्मक आए, और पकड़ में मध्य और जिस भी अंग की वो राग होगी, जिस भी पूर्वांग या उत्तरांग, उसका कुछ संगतियां होगी जो पकड़ या स्वरूप में कहलाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब वो प्रारंभिक से वो कलाकार की तरफ बढ़ता है, शायद धीरे धीरे तब वो आलापचारी को समझता है कि राग में अब आरोह अवरोह पकड़ की बंदिश नहीं, अब आप स्वच्छंद हैं, आप अपने हिसाब से एक एक सुर मध्य में, फिर एक मंद्र में, फिर धीरे धीरे तार की ओर, जिस भी ओर वो राग का चलन जाएगा उस ओर आपको जाना है। तो ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी हम आलाप से शुरू करेंगे, एक हम राग हंसध्वनि में हम शुरू कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे आलापचारी होती है, उसके बाद बंदिश लेंगे, और उसके बाद उसका लयबद्ध जो विस्तार है आलाप के फॉर्म में, बोलों में भी देखेंगे, स्वरों में भी देखेंगे, और आकार में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अपन हंसध्वनि गा रहे हैं, तो हंसध्वनि के ऐसे कुछ स्वर जो थोड़ी देर में दिखा देंगे कि हाँ ये हंसध्वनि है, है ना। अब बंदिश शुरू करते हैं। आजा विलंब। इसका विलंबित बंदिश है। जय जय माता दे।
बंदिश का एक एक लाइन हो गई है ना। अब हम अगर इसको विस्तार करते हैं तो तुम जो पूछना चाह रहे हो कौन कौन से बोलों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन भी तो रह सकती है। जैसे बंदिश है, अब बंदिश में जितने सारे शब्द हैं क्या सबका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या क्योंकि जैसे आम भाषा में लोग वॉइस कल्चर समझते हैं ना कि अकार होगा ईकार होगा, है ना, तो अब उसका इस्तेमाल यहाँ आएगा क्योंकि उमूमन तो हम आकार में ले लेते हैं अगर कोई भी विस्तार तान लेनी आलाप लेनी, लेकिन यहाँ पर उसका जो स्वर है हिंदी वर्णमाला वाला स्वर वो बदलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे जय माता तो हम माता को दिखाएंगे तो वो आकार में जाएगा, है ना, या अ को जाएगा या ई जाएगा ऊ जाएगा, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि अच्छा क्या लग रहा है, है ना। जो मैं देखता हूँ कि जो सुंदर लगना चाहिए, अच्छा सुनाई देना चाहिए, है ना, बिल्कुल ऐसा शब्द इस्तेमाल करना। मैं कुछ सोच के नहीं गा रहा लेकिन अपने आप आएगा वो, ओ, खुद बखुद है ना, वो ऑटोमेटिक आएगा, तो देखते हैं क्या आता है, है ना। जय माता बे विलम्ब, यानी विलम्ब, ये विलम्ब इसका अपभ्रंश है विलम्ब, है ना। जय माता विलम्ब तजत, तो मैं जो कर रहा हूँ वो विलम्ब को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ध्यान में आया मेरे, ठीक है। विलम तजत, है ना, यानी ये ठीक लग रहा है मुझे तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब अगर जय माता, जय माँ, जय माँ, ये भी हो सक रहा है ना, बिल्कुल, जय माता बेला, बिल्कुल, ज्यादातर विलम्ब तजत है। सुंदर क्या लग रहा है, है ना, उस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक बात है, है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आप जय माता नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, बिल्कुल, जय माँ, जय, खाली जय बोल रहा हूं मैं, जय माता, है ना। अब जैसे स्वरों में जब ये आलाप लिए जा रहे हैं, जैसे जो मेरा मानना है और स्वाभाविक आप भी अग्री करेंगे कि आलापचारी करना, यहाँ हम उपज की बात कर रहे हैं, उपज, हाँ, है ना, स्वाभाविक है, हम चलो बता भी सकते हैं, सरगम में लिखा देते हैं जैसे कि ये आलाप आपका बन गया, ये सरगम का आलाप है, ये आपका आकार का आलाप है, आप वो भी लिखा सकते हैं विद्यार्थी को। बोल आलाप लिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लिखाया वो भी जा सकता है स्वाभाविक है, क्योंकि आप उसकी बांट बता देंगे कि ये शब्द है और इसकी ये कॉम्पोजिशन है, ये इसके सुर है, वो लिखा दिया, वो भी करवा दिया जाएगा। लेकिन जब उपज की बात आ गई, यानी उस आर्टिस्ट को एक कंपोजर होना जरूरी है, क्योंकि वो कंपोज कर रहा है ना, राग का स्वरूप ध्यान में रखते हुए वो उन शब्दों की नई कॉम्पोजिशन बना रहा है। आपकी कॉम्पोजिशन जय माता ये है, अब मुझे अपनी कॉम्पोजिशन देनी है इस जय माता विलम्ब तज को, उपज, है ना, अपनी कॉम्पोजिशन दूंगा और राग का, राग को मद्देनजर रखते हुए, है ना। बस वो है कि अब उसे मैं लय में नहीं दे रहा हूँ, लयबद्ध करके नहीं दे रहा हूँ। जैसे आपने जो कॉम्पोजिशन करी वो लयबद्ध है, वो एक ताल को ध्यान में रखते हुए, उसका खंड ध्यान में रखते हुए वो है। अब मैं जो करूंगा वो फ्री है, उसमें लय हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे आपने बीच में पहले आप फ्री जा रहे हैं, फिर बेलम तज, आप लय में भी गए, फिर लय में भी, और बांट दिखा के फिर वापस भी आ गए, तो ये किया जा सकता है ना।
बिल्कुल, तो ये तो विलंब, क्योंकि वो वाली चीज है, स्टूडेंट इसको समझ तो लेगा कि अच्छा ये बोल आलाप होता है, करेगा कैसे, हम उस ट्रिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसे खुद से करना होगा, बनाना होगा, तो अगर करना है तो सबसे पहले तो ये जो अपन कर रहे हैं जी, इस स्तर पे जाएगा तब करेगा। हाँ, तो है ना, अगर प्रारंभिक विद्यार्थी है हाँ, तो ये नहीं कर पाएगा बोल आलाप, नहीं मुश्किल है ना। बोल आलाप करेगा भी तो इतनी मिठास नहीं आएगी उसमें, करने की कोशिश करेगा हाँ, लेकिन धीरे धीरे बनेगा है ना, समय लगेगा उसको हाँ, शुरू शुरू में उठपटांग करेगा हाँ, वो तो है ना। तो ये तो जब अच्छे से रियाजी हो जाएगा और उपज पैदा होगी तब की बात है, तब की बात है, है ना, क्योंकि इसमें लोच है, लोच है हाँ, है ना, इसमें बहलावे हैं है ना, तो वो बहलावे के साथ ऐसा करेगा तो उपज चाहिए उसके लिए है ना, तो ये तो तभी हो पाएगा जब वो इस स्तर पे जाएगा, तभी उसको ये हाँ, उसी काबिल तभी बनेगा। अच्छा एक और चीज़ भी है कि जब हम बोल आलाप कर रहे हैं या बोल तान कर रहे हैं तो क्योंकि शब्दों की बांट अलग अलग हो जाती है ना, जैसे यहाँ जो शब्द है जय माता विलम तज, तो जरूरी नहीं है कि इसी बांट में वो जाएंगे, नहीं है ना, वो पॉजेस जो है वो बदल जाएंगे, बदल तो कई बार हाँ, आपको वो शब्द समझ भी नहीं आएगा हाँ, नहीं आता है ना, कि वो विलमता जतमा मतलब जो भी उसका बनता है ना, जो भी उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, ये और गति जब बढ़ जाती तब तो वो साफ दिखता है कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कम में भी एक्चुअली में यही हो रहा है हाँ, वो जो हो रहा है वो एक्चुअली में सुर के न्यास पर है, कि अगर आप उस पर टिक गए, जो जो न्यास कहता है राग का, अगर निषाद पे न्यास है नी पर है, आप टिक गए, वो वहां नहीं ध्यान रख रहे हो कि वहां शब्द क्या चल रहा है, शब्द कंप्लीट हुआ कि नहीं, बोल आलाप की अपन अगर बात करें है ना, ये भी एक टेक्निक है, टेक्निकलिटी है इसकी समझने की। विलम तज तज माता विलम, बिल्कुल शब्द कहाँ गया, शब्द कहाँ गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा गति बढ़ा के अगर करें, जैसे ये तो विलंबित में हो गया, अब अगर थोड़ा सा गति बढ़ा के इसका किया जाए मध्य विलंबित में, या फिर जिस प्रकार से अभी आपने किया वो ही देखो, अगर गति बढ़ाते हैं जी तो वो तान हो जाएगी, तान की ओर जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये जो अभी आपने किया था ना थोड़ा सा लयबद्ध बोला ला, हम अगर इसकी बात करें जैसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं, अपनी आपस की भाषा में हम इसको शब्दों का मेरखंड कहते हैं मैं, अच्छा, तो, हाँ वो चीज क्योंकि वो लयबद्ध है ना, तो इसीलिए फिर उसके बाद हम तान की ओर जाते हैं। हाँ, ये भी बोल लाला माता जत मागन गुण दे हो जय माता बिलमता जत जमाता बे, बिल्कुल तो ये भी क्योंकि ये भी विलंबित गायकी हाँ, में होता है ये हाँ, है ना, विलंबित गायकी में ये चमत्कार है, ये थोड़ी देर का, ये बहुत ज्यादा नहीं करते है ना, ये थोड़ी देर का ऐसे ही है, और ये सब लोग करते भी नहीं है, ये तो मैं करता हूँ तो इसीलिए मैंने कहा ये आपकी खास बात है तो पहुंचनी चाहिए आगे, तो वो चीज है। अच्छा तो अब बोलतान की तरफ बढ़ें या फिर मध्य की कोई बंदिश लेकर उसमें हम बोल आलाप देखने की कोशिश करें, क्योंकि वैसे तो आपने क्लियर कर ही दिया है कि बोल आलाप जो है वो मध्य लय में कम किए जाते हैं और विलंबित लय में ज्यादा किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, अच्छा किए जाने चाहिए, वो वाली बात है, मैं कहता हूँ ये ओके ठीक है ना, वो उसमें ज्यादा हाँ, ही अच्छे लगेंगे, अब पता नहीं बाकी लोग भी करते होंगे हाँ, वो अब जैसे लागे लगन सके बदेशन, लागे लगन सके सके सके, मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो है ये विलंबित लय में हम कर चुके हैं ओके, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, लागे लगन सके बदेशन, लागे लगन सके बदेशन, लागे लगन सके सखे पति सन, लागे लगन सखे पति,
ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब ये तान जैसा हो गया, भले ही कम लय में है लेकिन ये तान जैसा हो गया, ये तान ही है। अब इसको अगर बोल में बोलो तो लागी लगाना है ना, ये तान ही है, तान हो जाएगी बिल्कुल, भले कम लय में बोल रहे हैं, कम लय में है ना। तिन दिन दा दा तिन तिन ता तिट दिन दिन दा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इस लय में तान जा रही है, ठीक है। हाँ। इसकी दुगनी लय में है ना, तो है तान ही है, वो तान बन जाती है बिल्कुल। अब इसमें बोल आलाप भी मुझे नहीं ठीक लगता है, है ना। पर अगर मान लीजिए, अच्छा वो तो स्वाभाविक सी चीज़ है ना, ये भी एक स्टूडेंट को थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है कि वो किस लय का ख्याल गा रहा है। जैसे अगर उसने विलंबित नहीं गाया है ना, वो डायरेक्ट ही मध्य को प्रस्तुत कर रहा है, तो उसमें भी वैसे भी विस्तार करने के तरीके बदल जाते हैं। अगर ये बहुत अच्छी बात है, अगर विलंबित गाया ही नहीं मध्य लय ही शुरू कर रहा है यही, तो क्या करें, तो क्या करेगा बिल्कुल, है ना। तो राग को तो खड़ा करना ही है, तब अपन सरगम करेंगे। गरे ने बसा ने रे पाने सा रे गा रे ने बसा, बिल्कुल है ना। इस तरह से लागे लगन धे बदे जन पाने गापने बगरे ने बजाओ बाले सन लागे लगन, ठीक है। इसके बाद इसमें लयकारी कर सकते हैं, लागे लगन सखे पति पाने ने बसाने रे जाओ पाने जा रे गगरे ने बसाने रे, ठीक है। लय गारी करके अब इसमें बोल तान की तरफ अगर जाएंगे, पर लागे लगन लागे लागे लगन सगे बदे जन लागे लगन सखे बदे जन। अब एक चीज़ है, एक अब ये तो वही है कि गायकी का सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने बताया कि विस्तार में भिंडी बाजार घराने की ये खासियत है कि शुरुआत में सरगम में कर रहे हैं, और वो भी आपकी स्पेशली है कि आप ज़्यादा अगर मध्य विलंबित को शुरू करेंगे तो आप सरगम से भी शुरू करेंगे, विस्तार अगर शुरू विस्तार, करेंगे हाँ। है ना, उसके बाद आप गति बढ़ाने के बाद आप भिंडी बाजार घराने में मध्य विलंबित स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें आलापचारी नहीं होगी, मध्य विलंबित में ही वैसी ही आलापचारी हो जाती है जैसी कि हम विलंबित में करते हैं ठीक है ना। इसी यही ख्याल है, अभी कौन सा गाया था, जय माता विलंबता जत, है ना। एक और ख्याल है, प्रभु दीन धागे तेरा कीट तू, इस लय में है बोला है ना, लेकिन इसी लय में हम इसको प्रभु इस तरह से गा लेंगे, है ना। ऐसा भिंडी बाजार घराने में होता है, विलंबित तो गाते ही हैं बिल्कुल, पर ऐसा भी गाते हैं बिल्कुल, है ना। ये चलन ज्यादा है, ओके है ना, ऐसा चलन ज्यादा है। एक चीज जो चीज मैं कह रहा था कि सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है, तो कोई ये सरगम वाला काम नहीं करता है, कई लोग नहीं गाते नहीं करते हैं, है ना। वो डायरेक्ट ही विस्तार में आकार की ही ताने लेंगे,
है ना, और स्वरों की ताने लेंगे। तो आपकी गायकी जहां तक मैंने ऑब्जर्व करी, आप स्वरों की ताने कम लेते हैं, आप आकार की ताने लेते हैं, और स्वरों में आप ये मुखविलास और लय विलास में आप ये चीज करते हैं, सरगम। ये चीज है, ये सरगम ही उसकी एक अंग है, है ना। भिंडी बाजार घराने में सरगम का अपना एक अंग है, और ये सारे घराने, सारे जो भिंडी बाजार घराने के कलाकार हैं वो ऐसा करते हैं, लेते हैं। तो जो चीज़ आखिरी बात मैं आपसे पूछ के ये चीज़ हम एंड करेंगे, वैसे बोला आपका टॉपिक हो ही चुका है, लेकिन क्योंकि राग की ही बात चल रही है, राग के विस्तार की बात चल रही है, तो एक चीज़ है कि ये स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि सबका अपना अपना है, तो इसका मतलब ये निश्चित तो नहीं है, नहीं है कि आप अपने हिसाब से कर रहे हो। इस राग गायकी का एक ही अर्थ है कि वो राग खिल के सामने आनी चाहिए, सामने आना चाहिए। अब वो आप किस तरह से कर रहे हो कि हाँ। क्योंकि स्वाभाविक है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हर राग को उस गति तक ले जाना नहीं होता है, तेज गति तक। आप दरबारी अगर गा रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप द्रुत गति अवॉइड करें, क्योंकि चलन खत्म हो जाएगा वहां जाके, उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, स्वरूप बिगड़ जाएगा। और इसी प्रकार से कोई ऐसी राग है जो थोड़ी सी चंचल है, तो वो हम ज्यादा विलंबित में उसे करेंगे तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, है ना। तो वो तो हम जानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब में आकार की ताने हो, जरूरी नहीं है सब में सरगम हो, जरूरी नहीं है सब में बोलालाप हो। कुल मिला के बात ये होनी चाहिए कि राग का चलन आप किस तरह से खिला सकते हैं, तो बात है। भले आपने वो छोटा आलाप, जैसे आपने अभी छोटे आलाप में हंस ध्वनि को खिला दिया, लेकिन अब यही आलाप 5 मिनट तक हो रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि हंस ध्वनि चल रही है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद जो है राग गायकी का, वो यही है कि वो राग खड़ी हो जाए और उसी से उसका असर होगा। भले वो आध्यात्मिक तौर पर हमारा असर हो रहा है या मानसिक तौर पर जो हम पर असर होता है, वो राग के खड़े होने से होता है। वो किस तरह से खड़ा किया, वो आपकी अपनी, वो कलाकार के ऊपर है, निर्भर करता है कि वो आपका स्टाइल हो जाता है। जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल, वो तो है ना, जो बताए हैं शास्त्र में, उस विधि से उस स्वरूप को खड़ा करना है, है ना। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में अगर ये लिखा है तो उसके हम विपरीत चले जाएं, वो तो फिर तो राग नहीं ही खड़ा होगा, फिर तो नहीं खड़ा होगा। चलिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने हमें और बाकी जितने विद्यार्थी हैं हमारे, सबको इतना अमूल्य ज्ञान दिया, और आगे भी हमारी तमन्ना यही रहेगी, ये एक कि गुरुजी से और मुलाकात हो, आप लोगों की भी हम मुलाकात कराएं और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर बात करें। वैसे कई टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं गुरुजी के साथ में, और मूर्छना पर बात करी है, मेरखंड पर बात करी है, आलाप पर भी करी, रागदारी पर भी करी है, मगर ऐसे ही और भी कुछ टॉपिक्स हम जल्द लाते रहेंगे। धन्यवाद आप।